हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो बहुत ही खूबसूरत स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो है, इसमें हम आपको ऐसा आर्ट दिखाने वाले हैं जो आपसे पहले शायद अभी पहले कभी ना दिखा हो। ये जो आर्ट है, एक बहुत ही खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी आर्ट है, और इस तरह का जो आर्ट है वो आज हम आपको शो कर रहे हैं। देखें आप, बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी आर्ट है, और ये ख़ास तौर पर जो गर्ल्स हैं उनके जो हेयर्स होते हैं उसको किस तरीके से उन्होंने शो किया है इस आर्ट के अंदर, वो आप देखें। खूब सा तो फ्रेम है, फ्रेम के अंदर एम्ब्रॉयडरी की हुई है, एक स्केच बनाया हुआ है गर्ल का, उसके बालों को किस तरीके से उन्होंने डोर से धागों से किस तरीके से खूबसूरत उन्होंने एक 3D आर्ट वाला एक लुक दे दिया है। ये देखें, बिल्कुल ऐसे एक रियलिस्टिक एक लुक आ रहा है, जिसमें एक लड़की है उसका बैक लुक आ रहा है बालों का। ये पिक्चर देखें, एक गर्ल है सनफ्लावर्स पकड़े हुए हाथों में, पीछे उसकी खूबसूरत हेयर्स हैं, बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी की भी है। ये पिक्चर देखें कैसे खूबसूरत है, इसमें 3 गर्ल्स हैं डांस मूवमेंट कर रही हैं और बिल्कुल रियलिस्टिक एक लुक आ रहा है। उम्मीद है इसका आर्ट आपने शायद पहले कभी ना देखा हो, बहुत ही खूबसूरत और रियलिस्टिक आर्ट है, और जिस आर्टिस्ट ने भी इसको बनाया बहुत ही मेहनत से, और बहुत ही मेहनत से बनाया इस वीडियो को। ये देखें कितने खूबसूरत रियलिस्टिक पिक्चर, एक कैटी है, बेबी गर्ल है, दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं। इस पिक्चर में सबसे जो कॉमन और ख़ास बात है वो ये देखेंगे, जितनी पिक्चर्स आ रही हैं सारी एम्ब्रॉयडरी आर्ट हैं, और हर पिक्चर के अंदर आप देखना कि जो एम्ब्रॉयडरी की हुई वो सिर्फ मेरे बालों के ऊपर की हुई, बालों को किस तरीके से उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की को देखना बिल्कुल एक रियलिस्टिक एक लुक आ रहा है। जिस तरह 3D पिक्चर्स होती हैं, कोई ना कोई चीज़ हमें अलग से उसके ऊपर नज़र आ रही होती है। इस पिक्चर को देखिए कितनी खूबसूरत पिक्चर है, एक बेबी गर्ल है हाथ में गिटार पकड़ा हुआ है, दो डॉगीज हैं हाथ में, फ्लावर्स हैं। मोस्टली पिक्चर में आपको बैक पोज नज़र आ रहा होगा, क्योंकि सब में हमें हेयर्स को शो करना है तो सब में बैक पोज ही होना है। और एक खूबसूरत तरीके से स्केचिंग की है, फ्लावर्स भी नज़र आ रहे हैं, दरख्त है, इसी बेबी गर्ल कैटी के साथ बैठी हुई है। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही अमेजिंग है, इंटरेस्टिंग वीडियो, मज़ेदार है, ऐसा खूबसूरत आर्ट जिस आर्टिस्ट ने भी बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आर्ट बनाया है। बहुत सारे हमने देखा है घरों में बच्चियाँ आर्ट को सीखने के लिए जाती हैं, इंस्टीट्यूट वहाँ पर इस तरह के आर्ट्स को सीख रही होती हैं। ये देखो कितनी प्यारी बेबी गर्ल है, कितने खूबसूरत कर ली ईयर्स लोग बाल दिए हमें, वाओ दिस इज अमेजिंग पिक्चर, ब्यूटीफुल गोल्डन ईयर्स, अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग, वाओ टू गर्ल्स सिटिंग ऑन दी झूले पे, दो लड़कियां बैठी हुई हैं और बैक साइड है, बाल देखे कितने खूबसूरत प्यारे बनाए हैं, अमेजिंग आर्ट, फंटास्टिक। ये पिक्चर देखें कैसी खूबसूरत पिक्चर है, पेयर्स भी बनाए हैं उसमें, फ्लावर्स भी नज़र आ रहे हैं। ये पिक्चर देखिए तो और भी अमेजिंग है, खूबसूरत पिक्चर है, पिंक टॉप ऑरेंज ईयर्स, अमेजिंग, वाओ ये तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल पिक्चर है, ऐसे खूबसूरत बाल बनाए हैं, फ्रॉक है ब्लू कलर की, वाओ दिस इज वंडरफुल, क्या खूबसूरत सीनरी क्रिएट की, डिज़ाइन की, वेरी गुड, वेल डन, अमेजिंग पिक्चर, खूबसूरत, ब्यूटीफुल ईयर्स, सुपर क्रिएटिव एम्ब्रॉयडरी। तो दोस्तों आप बताएं इस एम्ब्रॉयडरी पहले कभी आपने देखी है, अगर देखी है तो कमेंट्स में लिख के बताइए कि कहाँ पे देखी है और इस तरह का आर्ट आपको पसंद है। ये देखेंगे तो खूबसूरत पिक्चर है, दो फ्रेंड साथ बैठी हुई हैं, ईयर्स को कितना खूबसूरत तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया एम्ब्रॉयडरी से, अमेजिंग, वंडरफुल आर्ट। इस तरह का आर्ट अब तो लगता है शायद ना पैदा हो गया, बहुत ही कम लोग होंगे जो बहुत ही क्रिएटिव होंगे इस तरह का, जो आर्ट के ऊपर काम करते होंगे। इस तरह का आर्ट मेनली आप इसको होम डेकोरेशन आइडियाज़ के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, शो पीस के तौर पर अपने घरों में डिस्प्ले कर सकते हैं, वॉल डेकोरेशन के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं, फ्रेमिंग करके अपने दीवारों पर लगा सकते हैं, इट्स अमेजिंग वंडरफुल आर्ट। तो दोस्तों आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हम इस तरह की वीडियो और बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो
चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।